दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में आज कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली है और इसके पीछे वजह है बाजार में दबाव। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि यस बैंक में एक जबरदस्त तेजी का दौर आ सकता है। अब आप ये समझ सकते हो कि RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए मीटिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसका नतीजा भी आएगा कि क्या इस बार रेपो रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो क्या RBI फैसला कर सकती है वो इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे जो बड़ी बात है कि आज पूरा मामला पलटा है, आज फिर से FI खरीदार बने लेकिन सामने DI ने बिकवाली की और इस वजह से बाजार में तेजी बन नहीं पाई। अब आगे की क्या संभावना, क्या है यस बैंक में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। यस बैंक का स्टॉक काफ़ी समय से 16 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है और इसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस जिन्होंने लॉक इन पीरियड के तहत शेयर खरीदे थे वो धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इसी वजह से एक तरह से यहाँ पे ठहराव सा आ गया। लेकिन जल्दी यहाँ पे जबरदस्त तेजी का दौर भी आ सकता है क्योंकि यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है इस 2 साल के दौरान, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 18,599 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.03% की मामूली तेजी देखने को मिली। तो आप देख सकते हो तो खास तेजी नहीं थी। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,164 के स्तर पे 0.14% की तेजी थी। तो निफ्टी बैंक में तेजी थोड़ी सी ठीक थी। निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो 4,067 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहां पे हमें 0.20% की गिरावट देखने को मिली। तो सरकारी बैंकों में आज गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें तो 22,559 के स्तर पे 0.22% की तेजी थी। तो प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में थोड़ी तेजी थी लेकिन आप देख सकते हो कि सरकारी बैंकों में आज गिरावट हमें देखने को मिली। अब अगर यस बैंक की बात करें स्टॉक की शुरुआत 16.15 पर हुई, यानी शुरुआत वहीं पर हुई जहां पे क्लोजिंग थी कल की, यानी 16.15 पर, और यही दिन भर का हाई था। उसके बाद में गिरावट का माहौल बना, 15.95 का लो भी बना यानी 16 के स्तर को तोड़ा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि क्लोजिंग 16.05 पर रही, निचले लेवल से फिर से कुछ रिकवरी देखने को मिली और 0.62% की गिरावट के साथ में आज यस बैंक ने क्लोजिंग दिया। लेकिन अच्छी बात है कि 16 का स्तर पा लिया फिर से। अब पिछले एक साल की बात करें स्टॉक में 22.99% की हमें तेजी देखने को मिली है, यानी स्टॉक 12.50 के आसपास था साल भर पहले। उस हिसाब से जिसने भी निवेश किया होगा उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से 8% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, यानी जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय लॉस हो रहा है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ के रिटर्न की तो 0.31% की गिरावट है, यानी लगभग 1 महीने से स्टॉक आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता होगा दिखाई देगा। और उसके पीछे वजह मैंने बताई है कि जो बड़े फंड हाउस है इस लेवल पे खरीदारी नहीं कर रहे बल्कि वो अपनी अपनी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे, और कुछ फंड हाउस है जो इस समय खरीदारी कर रहे और इससे स्टेबिलिटी इसको मिली हुई है स्टॉक को। पिछले 5 दिन के हिसाब से 1.5% की तेजी भी बनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज पूरा मामला पलटा है। FI जो 1 तारीख से ही लगातार बिकवाली कर रहे थे, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन आज FI की खरीदारी हुई है फिर से। आज FI ने 8,963 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 8,570 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 385 का है। तो आज FI ने फिर से खरीदारी की और ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। जो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जून में लग रहा था कि वो गिरावट के साथ आगे बढ़ रहे वो खरीद बिकवाली करें लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन आज DI ने अपनी बाजी वापस पलट दी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से DI बाजार में खरीदारी कर रहे लेकिन आज DI ने बिकवाली कर दी। आज DI ने 5,946 करोड़ की नई खरीदारी की लेकिन सामने 6,435 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से जो DI का बिकवाली का आंकड़ा है वो 489 निकल के आ रहा है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जब DI खरीदारी करते तो FI बिकवाली करते और FI बिकवाली करते तो DI खरीदारी करते, दोनों साथ में नहीं चलते। अगर दोनों साथ में चले तो बाजार में जबरदस्त तेजी भी आ सकती है। अब इंटरनेशनल मार्केट खुल चुका और वहाँ से सिग्नल थोड़े से वीक निकल के आ रहे। डाउ जोन की बात करें तो 33,538 के स्तर पे 0.072% की गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 4,266 के स्तर पे 0.18% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। नैस्डेक कॉम्पोजिट की बात करें तो 13,187 के स्तर पे 0.32% की गिरावट है। रिजल्ट 2000 इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा है, 1,806 के स्तर पे 1.32% की गिरावट है। तो कुल मिला के सिग्नल काफ़ी वीक निकल के आ रहे, इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का माहौल बना हुआ और ये बढ़ेगा तो फिर हमारे बाजार में भी कल गिरावट ज़्यादा हो सकती है।
अब जैसे कि यस बैंक ने रिसेंटली पे यू और वीज़ा के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से इनके जो MSMEs और जो स्मॉल बिजनेस हाउसेज है उसको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और आप मर्चेंट्स के लिए आप देखो तो एक काफ़ी बेनिफिट वाली सर्विस मिलने वाली है, और इसका सीधा फायदा यस बैंक को भी होगा क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन यस बैंक के माध्यम से होगा। और वैसे भी देखें तो यस बैंक का जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा है, जितने भी इंडिया में जो UPI ट्रांजेक्शन उसमें 43% शेयर पूरा यस बैंक का है। तो यस बैंक एक तरफ अकेला और बाकी बैंक दूसरी एक तरफ है। इसके अलावा यस बैंक ने अपने अब रूप रंग को बदलने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की, और साथ में उन्होंने अपने लोगों को भी बदल दिया, यानी आने वाले समय यस बैंक दूसरों से हटके साबित होना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने अपना एक नया स्लोगन रखा है, लाइफ को बनाओ रिच। तो और ये इस वजह से देख सकते हो कि यस बैंक में हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि 16.10 का इसका रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही फिर 16.65 का लेवल देखने को मिल सकता है, और फिर अगर आप देखें तो 16.65 को पार कर लिया तो फिर 17.30 के ले जो है फर्स्ट टारगेट इसका देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार इसको 16.65 का लेवल पार करना चाहिए और फिर इसके बाद ये 17 को टच कर सकता है। और आप ये देख सकते हो कि अगर ये आप इसकी जो प्राइस ऐसे ही बढ़ेगी तो फिर 20 को भी टच करने की संभावना बन जाती है, लेकिन अभी दबाव जारी रहेगा, उसमें काफ़ी समय लग सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि RBI की मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग शुरू हो चुकी है, 6 से लेके 8 तारीख, यानी आज से जो मीटिंग शुरू हुई है 8 तारीख को ये खत्म होगी, और आप देख सकते हो कि 8 तारीख को ही सुबह 10 बजे मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। जो भी दो दिन तक जो इसमें डिस्कस होगा उसके बाद में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सुबह 10 बजे 8 तारीख को हमारे सामने होगा, क्या बदलाव होगा रेपो रेट में या फिर वही रखा जाएगा। अब यहाँ पे मॉनिटरिंग पॉलिसी को लेकर SBI रिसर्च का कहना है कि इस बार भी RBI जो रेपो रेट उसमें बदलाव करने की संभावना काफ़ी कम है, यानी उसको वहीं पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, RBI इस बार भी जो अपनी रेपो रेट है वो 6.5% पे मेंटेन रख सकते हैं, और 8 जून का इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। फिलहाल RBI वेट एंड वॉच कर रही है, और आगे के सिनेरियो के हिसाब से देखें तो कुछ चेंजेस आगे देखने को मिल सकते हैं, इस बार 6.5% पे रहने की संभावना बन रही है। और जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो बाजार के जानकार है और जो RBI की पॉलिसी को अच्छे से जानते हैं, उनके हिसाब से इस बार 6.5% पे ही रेपो रेट रह सकता है। तो कुल मिला के देखते हो पहले ही रेपो रेट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और अभी यहाँ पे RBI इसको और नहीं बढ़ाना चाहेगा ऐसी संभावना बन रही है। और आप देख सकते हो कि एक तरह से देखें तो इस समय GDP भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है इंडिया की, और बिजनेस पटरी पे दिखाई दे रहा है, बैंकों का कारोबार काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो कि बैंक इस समय देखें तो अपने पिछले कई सालों के कार्यकाल के दौरान सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी मजबूती है, और ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय बैंकिंग शेयरों में और तेज़ी आ सकती है। और ऐसे में जो स्टॉक नहीं दौड़े वो बिल्कुल दौड़ेंगे, तो यस बैंक उसी में से एक शामिल है। जो यस बैंक का स्टॉक आप देख सकते हो कि काफ़ी समय से बहुत नीचे के लेवल पे है, और आपको ये पता ही होगा कि इसकी प्राइस अभी बढ़ी नहीं है, क्योंकि जब RBI ने इसकी कमान SBI को सौंपी और जब इसकी शुरुआत उस समय 10 रुपये की प्राइस से शेयर सबको अलॉट किए गए थे, तो अभी सिर्फ इसकी प्राइस 16 के आसपास है। पिछले 3 साल में कोई ज़्यादा इसमें बड़ी हमने नहीं देखी है, और वैसे इसने 24 का हाई भी बनाया था, उस हिसाब से देखें तो आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको यस बैंक में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं, NPA 1% से नीचे आ गया, ऐसे में स्टॉक यहाँ पर रुकने वाला तो नहीं है, जल्दी यहाँ पर तेज़ी का दौर शुरू होगा। तो एक आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश जरूर करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।